दोस्तों नागपुर के VCA स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया है। दूसरे दिन के आखिरी तक भारत ने 144 रन की बढ़त बनाई है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया द्वारा बनाए गए 177 रनों के जवाब में भारत ने दूसरे दिन 7 विकेट के नुकसान पर 321 रन बना लिए हैं। इससे पहले अगर आप जडेजा के बड़े वाले फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बता दें रविंद्र जडेजा ने ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हुए 66 रन बनाकर नाबाद रहे तो अक्षर पटेल 52 रन बना के खेल रहे हैं। दोनों ने मिलकर 8वें विकेट के लिए 81 रन की नाबाद पार्टनरशिप करके क्रीज पर मौजूद है। वहीं टीम इंडिया के अभी भी 3 विकेट बचे हुए हैं। ऐसे में भारत मैच के तीसरे दिन बड़ा स्कोर बनाना चाहेगा ताकि उसे मैच की चौथी पार में बल्लेबाजी न करनी पड़े। दोस्तों रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने करियर का 9वां शतक लगाया और ऐसे भारत के कप्तान बने जो तीनों फॉर्मेट शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित 120 रन बना के पैट कमिंस की गेंद पर आउट हो गए। हाइट वॉचमैन अश्विन 23, पुजारा 7, विराट कोहली 12, सूर्य कुमार यादव 8 और KS भरत 8 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज पूरे हताश होते दिखे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेब्यू करने वाले स्पिन गेंदबाज टॉड मर्फी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटकाए। दोस्तों भारत अब मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। तो दोस्तों भारत पहले मैच को कितने दिन में जीत लेगा कमेंट कर अपनी कीमती राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।